हेलो एवरीवन, आई एम योर हिंदी टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ फॉर क्लास 9th. टॉपिक नेम इज़ वाक्य विचार, वाक्य भेद. वाक्य भेद अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से. रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य. लेकिन आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद. अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं. विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य एंड संकेतवाचक वाक्य. अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, विधानवाचक वाक्य. पिताजी कल रात की ट्रेन से मुंबई गए. सभी बच्चे सूर्योदय होते ही खेलने चले गए. आकाश में तारे चमक रहे हैं. बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं. अब ये जो सारे हैं विधानवाचक वाक्य. विधानवाचक वाक्य जिसे हम सरल वाक्य भी कह सकते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें ही निश्चित है. अब जब अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे शांतिपूर्वक ही बैठेंगे. आकाश में तारे चमक रहे हैं, हमें पता है कि ये तारे जो होते हैं वो आकाश में ही चमकते हैं. जब सूर्य उदय होगा तभी बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलेंगे. अंधेरे में कोई भी बच्चा बाहर नहीं खेलता. पिताजी कल रात की ट्रेन से मुंबई गए. अब या तो वो मुंबई बस से भी जा सकते हैं या ट्रेन से जा सकते हैं. ये सारे क्या हो गए? विधानवाचक वाक्य, जिसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं. सेकेंड इज़ निषेधवाचक. वह झूठ नहीं बोलता. कमरे से बाहर मत निकलो. अब कभी गलत बात ना करना. सब लोग बस से नहीं जाना चाहते. अब जो निषेधवाचक वाक्य है इसमें हम प्रयोग करते हैं नहीं का, नहीं मत. जैसे हर वाक्य में आ गया वह झूठ नहीं बोलता. कमरे से बाहर मतलब हर चीज़ के लिए मनाही की गई. जहाँ पर हम ना का प्रयोग करते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कि हमें पता है जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है. क्या आप मुझे अपने घर ले चलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर वाक्य के पीछे जब वाक्य ख़त्म होगा तो उसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा. आपका घर किस दिशा में है? आप यहाँ कैसे पहुँचे? कल कौन आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए क्या, किस, कैसे और कौन, ये सभी क्या हो गया? ये प्रश्न पूछे गए, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया. उसके बाद है जी विस्मयवाचक वाक्य. अरे यहाँ कितनी गंदगी है. विस्मय होता है आश्चर्यजनक. जब हम विस्मयवाचक का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम उसके साथ साथ विस्मय सूचक भी लगाएंगे. अरे, अरे के बाद क्या होगा? विस्मय सूचक. यहाँ कितनी गंदगी है. ओहू कितना सुंदर दृश्य है. वाह तुमने तो कमाल कर दिया. हाय दर्द के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है. अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते तो ये हमारे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य गलत हो जाता है. अगर हम इसको हटा दें, अरे ओ वाह हाय, तो ये सिंपल वाक्य मतलब विधानवाचक वाक्य बन जाएगा. यहाँ कितनी गंदगी है, कितना सुंदर दृश्य है, तुमने तो कमाल कर दिया, हाय मेरा सिर फटा जा रहा है. हाँ जी, नेक्स्ट इज़ इच्छावाचक वाक्य. इच्छावाचक वाक्य जिसमें हमारी कोई इच्छा होती है, हमारी कोई चाह होती है या कामना होती है. हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं या भगवान से किसी प्रकार की कोई इच्छा भगवान के सामने प्रकट करते हैं. ईश्वर आपको सुख और शांति दे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं. इच्छावाचक वाक्यों में हम प्रार्थना भी कर सकते हैं. आपकी यात्रा शुभ हो. मैं चाहता हूँ कि वह दीर्घायु हो. दीर्घायु मतलब उसकी आयु लंबी हो. भगवान तुम्हारा भला करे. यहाँ पर सभी हमने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की, इच्छा जताई कि हम आपकी भलाई चाहते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं. नेक्स्ट इज़ आज्ञावाचक वाक्य. आज्ञावाचक वाक्य में जैसे हम ऑर्डर भी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, शाम को घर जल्दी आना. यहाँ पर हमने क्या दे दिया? एक ऑर्डर कि आज शाम को आप घर जल्दी आ जाना, अपने कमरे में जाओ. यहाँ पर भी हमने उसे ऑर्डर ही दिया. इधर बैठकर अपना काम करो.
इधर बैठकर अपना काम करो, मेरा सामान शीघ्र लौटा दो। ये सारे क्या हो गए? आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट इज संदेहवाचक वाक्य। संदेह जिसमें हमें थोड़ा शक होता है, शक। आज मेरे मित्र घूमने जा सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे श्योर नहीं है, मैं नहीं कह सकती कि वो आज जाएंगे या कल जाएंगे या वो बाज़ार जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या एक संदेह जता दिया कि आज मेरे मित्र घूमने जा सकते हैं। शायद गाड़ी प्लेटफार्म पर ही हो। जैसे हम घर से निकलते हैं स्टेशन पहुँचने के लिए, तो हम रास्ते में सोचते हैं कि शायद गाड़ी स्टेशन पर हो या फिर वो गाड़ी हमारी छूट चुकी हो। संभवतः वह घर लौट आए। अब यहाँ पर हम संभवतः की जगह शायद भी, शायद का प्रयोग भी कर सकते हैं। शायद वह घर लौट आए। हो सकता है आज धूप ना निकले। हो सकता है आज धूप ना निकले। यहाँ पर हमने क्या किया? संदेहवाचक शब्दों का प्रयोग किया। लास्ट इज संकेतवाचक, जिसमें कुछ इशारा दिया जाता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि आप पढ़ते तो प्रथम आते, इसका रिलेटेड संबंध जो है वो है पढ़ाई से। यदि वो पढ़ता तो प्रथम आता, क्योंकि वो फेल हो गया, इसका मतलब उसने पढ़ाई नहीं की। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? यदि का। अगर वह आया तो मैं चला जाऊँगा। अगर वह आता है तो मैं उसे नहीं मिलूँगा, मतलब मैं वहाँ से चला जाऊँगा। यदि वह मुझसे मिलता तो उसका काम अवश्य हो जाता। यहाँ पर हमने संकेत जता दिया, यदि वह मुझसे मिलता तो उसका काम अवश्य होता। यदि आप आते तो मैं घर पर नहीं मिलता। अब यहाँ पर उसने दो बातें कह दी कि यदि वो आया तो मैं घर पर नहीं मिलूँगा, हो सकता है कि उसके आने से पहले ही मैं घर से चला जाऊँ। यहाँ पर हमने किन वाक्यों का प्रयोग किया? यदि, अगर, तो, यदि, यदि। यहाँ पर हमने संकेत दे दिया कि अगर वो आता उसका काम ऐसे हो जाता, अगर वो ना, अगर वो आता तो मैं उसे ना मिलता। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।